हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि इन सब फॉर्मूले का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे इज ब्लैंक, इज एरर, इज एरर, इज इज इवन, इज लॉजिकल, इज एन ए, तो ये वो फार्मूले जो हैं जो एक्सेल में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या लिखा हुआ है, इज ब्लैंक। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फॉर्मेट है, दिस इज सेल बिल्कुल ब्लैंक है। तो इन सब फार्मूले का मेन काम होता है सही और गलत में आंसर देना, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ लिखा मैंने इज इक्वल टू और यहाँ लिखा इज ब्लैंक। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, वैल्यू। तो हमने दे दिया ये फॉर्मेट, यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इस ब्लैंक का मतलब क्या, ये सेल खाली है? तो यस ट्रू खाली है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। तो इस तरह से हम इज ब्लैंक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज एरर। इज एरर का मतलब क्या, कोई यहाँ पे एरर है? तो इक्वल टू मैंने एक फार्मूला लगाया और यहाँ पे हमें देना पड़ता है दो नंबर को सम। तो हमने यहाँ पर टैक्स कॉमा और कुछ नंबर डाल दिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, एरर। तो क्या यहाँ पे एरर है, इसको चेक करने के लिए क्या लगाएंगे, इज एरर फंक्शंस। उसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यू। तो हमने ये दे दिया सेल का नंबर, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी हमें क्या बोल रहा है कि यस ये एरर है। तो अगर मैं सिर्फ कोई नंबर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो क्या दिखा देगा, फॉल्स। उसके बाद अभी बोला इच एरर, तो सेम फार्मूला है ये भी आपका, उसी तरह से इसका भी यूज करते हैं, इक्वल टू इच एरर इस तरीके से। अभी क्या बोल रहा है, वैल्यू। तो वैल्यू में दे दिया ये नंबर, उसका ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये भी क्या हमारा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम या नंबर लिखता हूँ, जैसे लिखा मैंने जैसे सुरेश, तो जैसे इंटर करूँगा तो क्या हो गया हमारा, फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। उसी तरीके से ये लिखा हुआ इज इवन। तो इवन का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने कोई नंबर जैसे 4 5, और इसको हमें चेक करना है क्या नंबर ये इवन है या ओड है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इवन, और ब्रेक स्टार्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर। तो दे दिया नंबर, ब्रेक क्लोज और इंटर। तो आप ये देख सकते हैं इसका क्या, ये आपका इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर आपके 2 और 4 और 6 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो भी ट्रू दिखाएगा, 4 लिखूँ तो भी ट्रू दिखाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो फोर दिखा देगा, या 7 लिखा तो फोर दिखा देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इच इवन फार्मूले का यूज करते हैं। उसके बाद लगा हुआ है इच लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है कोई कंडीशन लगाना। हमें लिखा इज इक्वल टू, दे दिया यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 60, तो ये लॉजिकल है। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉल्स, क्योंकि 50 हमारा छोटा है 60 से, जबकि हमने क्या दिखाया है कि 50 बड़ा है कितने से, 60 से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का काम क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में। तो हमें यहाँ दिखा रहा है क्या, फॉल्स। तो उसी तरीके से इक्वल टू मैंने लगाया इज लॉजिकल। तो इसका मतलब यह है कि क्या यहाँ पे कोई लॉजिकल चीजें हैं, तो कह रहा है वैल्यू। तो वैल्यू पे क्लिक किया, ब्रेक क्लोज और इंटर। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक है। अगर मैं इक्वल टू लगा के यहाँ लिखूँ 20 प्लस 25, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 20 प्लस 25 सिंपल प्लस करना है, इंटर किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या आ गया, फॉल्स। तो इसका मतलब तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल फार्मूले का यूज करते हैं, इज लॉजिकल। उसके बाद कह रहा इज एन ए। तो एन ए में क्या आता है, कभी भी आप एक्सेल में काम करते हो तो इस टाइप का एरर आता है। तो क्या ये एन ए का एरर है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इज इसका टू लगा के इज एन ए, और ब्रेक स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू। तो दे दिया हमने ये वैल्यू, ब्रेक क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इज एन ए का एरे है। तो एरे एरर अगर कोई भी एक्सेल में आता है तो वहाँ पे इज एन ए फॉर्मूला लगा के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरर है, तो वो इज एन ए का है। उसके बाद इज नॉन टैक्स। तो यहाँ मैंने लिखा कोई भी नंबर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है इज इसकल टू इज नॉन टैक्स। इसका मतलब कि ये टैक्स नहीं है। तो हमने दे दिया यहाँ पे वैल्यू, ब्रेक क्लोज और इंटर। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे ये कोई टैक्स नहीं है, ये आपको कोई वैल्यू है। अगर मैं यहाँ कोई टैक्स लिखता हूँ, जैसे दे दिया हमने राम, और जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, फॉल्स, क्योंकि आपका इज नॉन टैक्स, ये आपका टैक्स नहीं है, लेकिन ये क्या है हमारा, टैक्स है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, फॉल्स। अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू, किसका मतलब ये टैक्स नहीं है। इस फॉर्मूले का काम क्या होता है, इसे सिर्फ चेक करना। उसके बाद लिखा इच नंबर, क्या ये नंबर है,
तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई नाम लिख दिया, जैसे लिखा राम। अब मुझे यहाँ पे इस सेल को चेक करना है कि इसमें नंबर है या नाम है। तो इज इक्वल टू हमने लगा यहाँ पे इज नंबर, अभी क्या बोल रहा है वैल्यू, दे दिया हमने ये वैल्यू, वैके क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा ट्रू। तो आप यहाँ कोई भी नंबर लिखेंगे तो आंसर आपको इसमें आएगा ट्रू में। उसके बाद इज ऑड, ऑड मतलब कि क्या यहाँ पे क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इवन के लिए हमने यहाँ पे चेक किया था, ये नंबर कैसे चेक करते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ऑड नंबर। तो जैसे लिखा हमने यहाँ पे थ्री, हमें चेक करना है कि क्या यह नंबर थ्री इवन है या ऑड है। तो अगर इज ऑड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। इक्वल टू लिखा इज ऑड, इक्वल टू इज इज ऑड ओ डबल डी, ये देखिए। तो इज ऑड फॉर्म लगाने के बाद अब इसमें क्या बोल रहा है नंबर, तो दे दिया हमने नंबर अब के क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट हमारा किसमें दिखा रहा है ट्रू में, क्योंकि ये जो आपका ट्रू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये आपका इज ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ पे फोर कर देता हूँ तो ये हमारा क्या हो गया इवन। तो इंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है फॉल्स। उसी तरीके इज टैक्स, तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर चेक किया था इज नॉट टैक्स, ये टैक्स नहीं है नंबर है, तो यस नंबर है। और यहाँ पे क्या है इज टैक्स के मतलब यहाँ पे टैक्स है, तो हमने दे दिया यहाँ पे जैसे कुमार, और हमें चेक करना है क्या ये टैक्स है। तो यहाँ पे इज कल टू और यहाँ पे लिखेंगे इज टेक्स्ट, अभी क्या बोल रहा है वैल्यू, तो दे दिया हमने ये वैल्यू अब करके क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि इज टेक्स ये हमारा टेक्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ कोई नंबर टाइप करता हूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या आ गया फॉल्स। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको 100% उसका आंसर देंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।